हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज पहली बार मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार मेरे साथ पोपट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे किस तरीके का पोपट। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं यहाँ पर आज बैंड स्टैंड पर आया था एक ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो है बैंड स्टैंड पर कुछ काम चल रहा है, और ये काम लगभग काफ़ी टाइम से चल रहा है, 5-6 महीने से ये काम चल रहा है। मैं हर बार आता हूँ तो मेरे को यही प्रोसेस मिलता है, लेकिन आज आया था वीडियो एक शूटिंग लोकेशन आपको दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अभी भी काम चालू है। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, और मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आया था जैसे कि आप देख सकते हो। और आपको बता दूँ, अम्ब्रेला भी हमारे पास एक ही है, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कितनी तेज़ यहाँ पर बारिश हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। यह जो आप ब्रिज देख रहे हो, ये वर्ली सीलिंग ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा मुंबई बांद्रा वेस्ट के बैंड स्टैंड एरिया में। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 किलोमीटर की दूरी तक आपको देखने के लिए मिलेगा, और इस पर जाना बाइक वगैरह अलाउड नहीं है, इस पर सिर्फ 4-व्हीलर अलाउड है, जिसका आपको 85 रुपीज़ टैक्स देना होता है। और ये जो आप साइड में देख रहे हो, यहाँ पर दूसरे ब्रिज बनने की तैयारी चल रही है, जो कि कांडा रोड पर जाकर टच होने वाला है। अगर आपको इस ब्रिज की जानकारी मैं आपको दूँ, तो ये लगभग 2001 में बनना स्टार्ट हुआ था, और 2009 में बनकर ये तैयार हुआ था, और इसको बनाने में काफ़ी करोड़ों रुपए का खर्च आया था। और आपको एक बार और बता दूँ, इसका उद्घाटन हुआ था 2010 के स्टार्टिंग में, और आप एक बार देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी यहाँ से दूर तक कोई भी पब्लिक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हो बारिश बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो मेरे भी लगभग कपड़े सारे भीग चुके हैं। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो शूट करने के लिए आया था, लेकिन पहली बार मेरे साथ ऐसा पोपट हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, मैं आया था मुंबई के बांद्रा वेस्ट के बैंड स्टैंड एरिया में, जैसे कि आपको आसपास का व्यू मैं दिखा देता हूं। ये जो आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये जो देख रहे हो ब्रिज, ये वर्ली सीलिंग ब्रिज है। और आज की जो मैं आपको लोकेशन दिखाने वाला था, वो एक तो ये जो आप पीछे में ये जो देख रहे हो दीवार, इसके अंदर का एक एरिया था वो दिखाने वाला था, और ये जो आप पीछे पहाड़ की चोटी देख रहे हो ना, वो वाली, वो आपको एक वहाँ पर लोकेशन दिखाने वाला था, जो कि जे हो मूवी फिल्म में यहीं पर ही पूरा शूट हुआ था। वही लोकेशन आज मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लोर करने वाला था, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ कि बारिश आ चुकी है, और अंदर जाना अलाउड भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। पार्क को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है, बहुत अच्छे से मतलब काम चल रहा है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक ब्रिज तो ये पहले ही ऑलरेडी बना हुआ है, इसका नाम है वर्ली सीलिंग ब्रिज। और ये जो आप पीछे पर काम होता हुआ देख रहे हो, ये काम चल रहा है, यहाँ पर एक और ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि इस तरीके से घूम करके सीधा उस साइड से घूम करके, एक कांडा रोड एरिया है दूसरा, वहाँ पर भी काम चल रहा है, वहाँ से घूम करके इस तरीके से यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस ब्रिज पर आने के लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक और जाम हो जाता था। अब ये बाहर से बाहर यहाँ से आप आ सकते हो आसानी से, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ब्रिज से निकल के आप इस ब्रिज पर टच हो सकते हो। तो दोस्तों, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि बारिश यहाँ पर कितनी तेज़ थी। ये देखिए दोस्तों, बारिश की वजह से पानी भी की पटारे भी कुछ काफ़ी तेज़ तेज़ यहाँ पर चल रही है। और जो आज की लोकेशन में आपको दिखाने वाला था, वो इसके अंदर ये जो मतलब इसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्ट बोलते हैं, बांद्रा फोर्ट बोला जाता है इसको। पानी आ गया है कैमरे पर, बांद्रा फोर्ट बोलते हैं, इसके अंदर में जाने वाला था, लेकिन इसके अंदर पुलिस प्रशासन वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर है, तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। और ऐसे आप देख सकते हो यहाँ का पूरा व्यू, यहाँ पर काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है जैसे दोस्तों, जैसे कि जे हो, वांटेड, किस किस को प्यार करूँ, और भी बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होती रहती है। तो दोस्तों, लेकिन अंदर जाना अलाउड नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं जाकर दिखा सकता। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप बारिश भी देख सकते हो यहाँ पर कितनी तेज़ बारिश यहाँ पर पड़ रही है। और तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मेरे YouTube चैनल पर लगभग 2-2.5 महीने से कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। वो मैं आपको अपनी एक मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, जो कि घर की को लेकर के मैं थोड़ा प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, जिस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी मैं फाइनली मुंबई में आ चुका हूँ, और मुंबई में आकर भी मुझे 8 से 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पर बारिश पर बारिश हो जा रही है, इसकी वजह से मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी जैसे ही बारिश का मानसून थोड़ा सही होता है, उसके बाद आपको प्रॉपर मेरे YouTube चैनल पर 1 बाय 1 वीडियो मिलने वाली है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं दोस्तों। एक्चुअली ये नेचुरल
बारिश अचानक से आ गई है जिसकी वजह से मैं वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पाया। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि अंदर काम चल रहा है उसकी वजह से मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंदर जाना अलाउड ही नहीं है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ नई लोकेशन देख करके आपको अच्छे से एक लोकेशन दिखाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी लोकेशन देखना चाहोगे, शूटिंग लोकेशन देखना चाहोगे या फिर किसी भी सेलिब्रिटी एक्टर या सेलिब्रिटी एक्ट्रेस का घर देखना चाहोगे या फिर घूमने के अच्छे अच्छे प्लेसेस या वगैरह वगैरह जो भी आप देख मेरे वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जैसे भी आपको ये वीडियो लगा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो और नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय बाय।